पारस क्रिएशन पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ये सी बैंड एलएनबी के अंदर क्या रहती है और कभी प्रॉब्लम होने पे हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस एलएनबी को अभी खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहती है। तो दोस्तों इसमें चार पेंच लगी हुई है और अपन इसको अभी ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट रहती है। दोस्तों ये अभी हमारी एलएनबी ओपन हो चुकी है और इसके अंदर देखिए दोस्तों कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ये देखिए आपका ये एफ कनेक्टर है, ये वायर है पॉजिटिव और एक जो है अर्थ है, एक जो अर्थ गई हुई है यहाँ पे। ये आपका पावर सेक्शन हो गया, इसमें डायोड्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्रिस्टल होती है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी की आपकी रहती है उसी के अनुसार ये क्रिस्टल इसमें डाला जाती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक यहाँ पे एक सोल्डरिंग की हुई है और यहाँ पे एक सोल्डरिंग की हुई है। तो दोस्तों ये जो पिन है ये हॉरिजॉन्टल वाली पिन रहती है, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि ये दो पिन इसमें लगी हुई रहती है। तो सबसे ऊपर वाली देखिए दोस्तों, ये जो पिन है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो पिन है वर्टिकल है। अगर आप ये चारों नट ओपन करके इस जो सोल्डरिंग है इसको निकाल देंगे तो ये बोर्ड बाहर आ जाएगी। और अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन आप बेसिक जानकारी मैंने दे दी, ये पावर सेक्शन, ये क्रिस्टल और इसमें बदलने लायक कोई कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे ही दूसरी कोई एलएनबी रहेगी तो आपके पार्ट्स इसमें चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दो ही चीज़ के कारण ये एलएनबी ख़राब होती है, ये एक जो है पानी इसमें चली जाए और दूसरी जो ये पिन जो है ये जिस बोर्ड पर जो सोल्डिंग की हुई रहती है ये लूज़ हो जाती है और इसका कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये बेसिक ट्रबल शूटिंग थी, मैंने आपको खोल के दिखाया इस एलएनबी को, सी बैंड वाली एलएनबी है 17K वाली। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो जो सैटेलाइट में रुचि रखते हैं। और कृपया हमारे चैनल्स पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर